दोस्तों देखिए, हम एक कंप्लेंट पे आए हैं जहाँ पे ना हमारा मोटर जो है कि एक नहीं चल रहा था। तो हमने क्या पाया और क्या चीज़ ख़राब था, कैसे चेक किया, तो देखिए हमारा एक मोटर ये नहीं चल रहा है ना, तो हमने चेक किया, बहुत चेक किया, और कैसे चेक किया तो बताता हूँ। ये हमारा जो है कि प्रेशर स्विच हमारा ख़राब मिला। इसको चेक कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रेशर स्विच का दोनों वायर ना, यहाँ इसका और इसका दोनों वायर जो है कि इस ये एक हो गया, प्रेशर स्विच का एक हो गया, दोनों वायर लगा हुआ है, एक जा रहा है एक आ रहा है इसमें। तो हमने क्या किया, दो एक वायर का टुकड़ा लिया, ये वायर का टुकड़ा लिया और हमने इसको ऐसे टच किया, इस प्रकार से इसको टच किया, तो हमारा क्या है ना, ये चलने लगा। तो हम समझ गए कि भाई ये ख़राब है, अगर ये ख़राब है और जब हम टच करेंगे ना तो हमारा मोटर चलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये ख़राब हो गया। आपको जो किसी जैसे ये वाला है, ये अगर ख़राब है तो इसको टच करेंगे ना ऐसे डाल के कमेंट कर, तो मोटर चलने लगेगा। इस प्रकार से हमने चेक कर लिया, हमारा मोटर अपना प्रेशर स्विच ख़राब है, तो इसको अंदर का जो भी है हमने चेंज किया और सही किया, तो अभी हमारा मोटर ओके हो गया है। और ये हमारे देखिए दोस्तों, लैचिंग रिले इसको बोलते हैं, या अपना चेंज ओवर रिले बोलते हैं, जो कि चेंज करता है, एक बार ये चले और एक बार ये चले, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ चले या एक साथ चले, ऐसा नहीं है, क्योंकि हीट हो जाएगा हमारा। देखिए मोटर जो है ना, एक बार ये चलेगा एक बार ये चलेगा, दोनों अगर एक साथ चलेगा तो हीट हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बंद चालू होना रहता है, तो एक ही मोटर होगा तो हीट होकर जल जाएगा। इसलिए दो मोटर लगाया जाता है ताकि बारी बारी से चल सके और हीट ना होकर जले ना, और इसलिए दो हमारा प्रेशर स्विच है। और इसमें देखिए दोस्तों, अभी दो के नीचे आ रहा है ना, ये हमारा देख लीजिए, दो के नीचे आएगा तो अभी चालू होगा मोटर। देखिए दो बार है, बार में है, दो से तीन बार के बीच में मेंटेन रहना चाहिए, इसका प्रेशर स्विच का सेटिंग किया है हमने। तो अभी देखिए नीचे आ रहा है, अभी चालू होगा आपका। देखिए दोस्तों चालू हो गया, दो बार से नीचे जाते ही चालू रहता है, और ये देखिए कहाँ तक जाएगा, केवल तीन बार तक जाएगा, तीन बार तक जाते जाते वो क्या होगा कि बंद हो जाएगा, यूँ तीन बार पर पहुँचेगा बंद हो जाएगा दोस्तों, और उसको कुछ ही सेकेंड लगते हैं तीन बार पर पहुँचने के लिए। देखिए अब बंद होने वाला है, बंद हो गया, कुछ ही सेकंड लगते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है और बंद हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे क्या है ना, ये हमारा जब भी जलेगा तो एक दूसरा ये वाला चलेगा और ये बंद रहेगा तो ये वाला चलेगा। तो ये लैचिंग रिले ऐसे काम करता है, केवल चेंज ओवर का काम करता है, जो कि एक दूसरे को चलाता है मोटर को। और ये हमारा वायरिंग है देख लीजिए दोस्तों, और ये देख लीजिए, ये हमारा पावर जो है कि ऑन है। इसमें क्या करते हैं हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा जो है कि पावर ऑन है, पावर जो हमारा आ रहा है तो ऑन दिखाएगा। और ये हमारा लेवल है, हाई लेवल लिखा है, तो इसमें लेवल का मतलब क्या है, किस लिए स्विच जाए। देखिए जब भी हमारा ये है ना टंकी, आपको दिखाता हूँ, ये हमारा टंकी है, तो ये टंकी में ना पानी अगर ख़त्म हो गया तो ये दिखाएगा, तो ये क्या होगा कि दिखाएगा कि भाई पानी टंकी ख़त्म हो गया है, जल जाएगा तो मोटर चालू ही नहीं होगा। अगर ये सेफ्टी जैसे एक तरह से काम करता है कि मोटर को बचाता है और एक्स्ट्रा चलने का जरूरत नहीं है इसको, अगर पानी ख़त्म हो गया मोटर चलेगा तो मोटर जल जाएगा, और चल चलते जल जाएगा ना बिना पानी का चलेगा, तो इसलिए ये सेफ्टी है कि पानी जैसे नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा मोटर। उसके बाद से देखिए पंप वन पंप टू, जो भी पंप अगर चलेगा तो ये जल जाएगा, जो भी पंप चलेगा तो जलेगा इसमें। उसके बाद से ट्रिप हो जाएगा, जो भी ट्रिप होगा तो वो पता चल जाएगा आपका। देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जान लीजिए आप। ये है अभी ऑटो पे रखा गया है, तो ऑटो पे ऑटोमेटिक चल के बंद होता है, ऑटोमेटिक अपना चेंज ओवर होता रहता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक पंप हमारा जैसे कि ख़राब हो गया, जो भी पंप अगर ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए ये पंप ख़राब हो गया तो इसको हम ऑफ मोड में रख देंगे, और इसको हम ऑटो पे रखेंगे, या मन करेगा तो एच पे डाल देंगे तो चले लगेगा, अगर हम ओ पे डाल देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए है दोस्तों, ओके थैंक यू दोस्तों।